नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में भूमि विवाद नासूर बीमारी की तरह है, जिसको सुलझाने की कितनी भी कोशिश की जाए सब किसी न किसी मुहाने पर व्यर्थ चली ही जाती है। हालांकि बिहार सरकार फिर भी तत्परता के साथ इसको सुलझाने में लगी हुई है। यही कारण भी है कि बिहार सरकार जमीन विवादों को बिहार में कम करने के लिए ही एक के बाद एक नए नियमों को लागू करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भूमि विवाद ही एक ऐसी वजह है जिसके कारण दुश्मनों की रैली खड़ी हो जाती है और परिवार के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं और खामियाजा जान गंवा कर चुकाना पड़ता था, जिसके बाद ही अब बिहार में भूमि विवाद को निपटाने के लिए मुख्यालय स्तर से केंद्रीय मॉनिटरिंग होने वाली है। इसको लेकर ही हाल ही में गृह विभाग की तरफ से ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह को भूमि विवाद से जुड़े मामलों का नोडल पदाधिकारी बनाने का आदेश भी दिया गया है। हाल ही में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भूमि विवाद की मॉनिटरिंग और कांडों के जल्द से जल्द निष्पादन को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। जिन भी जिलों में भूमि विवाद को लेकर बैठक नहीं हुई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगने को भी कहा गया है। इसके साथ ही अब भूमि विवाद से जुड़े पोर्टल में कई सुधार करने का भी निर्देश जारी किया गया है। जारी पोर्टल में वादी और प्रतिवादी का पूरा पता देने, संपत्ति का पूरा विवरण भरने के साथ ही अंचल अधिकारी का मंतव्य भी दर्ज करने को कहा गया है। इसके साथ ही पोर्टल में वादी और प्रतिवादी के दावा का आधार भी दर्ज करने को कहा गया है, जिससे कांडों के निष्पादन के समय ही पूरी पूरी जानकारी मौजूद हो। इसके तहत ही अब भूमि विवाद को लेकर बैठक नहीं होने वाले जिलों में मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। वादी और प्रतिवादी का पूरा पता देने के साथ ही संपत्ति का पूरा विवरण भरने का आदेश भी दिया गया है। गृह विभाग ने भौगोलिक सूचना प्रणाली का काम भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिया है। इसमें होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, जेल और पुलिस स्टेशन की जिलावार सूची लेकर प्रतिष्ठानों की GIS मैपिंग जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा चारों दिशाओं से 10 बिंदुओं से इन प्रतिष्ठानों की फोटो अपलोड करने को भी कहा गया है। गृह विभाग के सचिव को GIS मैपिंग के फॉलोअप की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसके बाद ही अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार में होने वाले जमीन विवाद अब नियंत्रित हो सकते हैं, क्योंकि अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी पैनी नजर रहने वाली है। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिश में तो है कि बिहार में जमीन विवाद कम हो, लेकिन सरकार की तमाम कोशिश बेरंग नजर आती है, लेकिन अब उम्मीद तो जगी है। हालांकि इसका फायदा जमीनी स्तर पर कितना होगा कितना नहीं, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।